इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 11 मई 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का इतिहास, 11 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। रीट पीटीआई समेत कई भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी करने के लिए किया प्रदर्शन। उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगार 1111 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे। थर्ड ग्रेड परिणाम, पीटीआई भर्ती और नई 1,00,000 पदों पर भर्तियों को लेकर जयपुर। भास्कर स्पेशल न्यूज, जयपुर में बेरोजगारों का अनोखा प्रदर्शन। 1111 फीट लंबा ज्ञापन, रीट, मेंस, पीटीआई समेत कई भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन किया। करीब 2 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के सचिव आरएएस अधिकारी सुनील पूनिया को बेरोजगारों ने अपना मांग पत्र सौंपा और सचिव का बयान, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर नजर टिका के रखे, रिजल्ट जल्द जारी होगा थर्ड ग्रेड का। फिर बेरोजगार दोपहर 3 बजे शिक्षा संकुल पहुंचे। यहां 1 घंटे के सांकेतिक धरने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की। ज्ञापन में ये प्रमुख बातें, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करे, पीटीआई भर्ती, 1,00,000 पदों पर विज्ञप्तियाँ और कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी की नई भर्तियां। नॉन टीएसपी के शिक्षकों के समायोजन की मांग, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। टीएसपी में रीट भर्ती में यहां के बेरोजगारों को बहुत कम पद मिले हैं, इससे परेशानी। बांसवाड़ा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, थर्ड ग्रेड तबादला 30 जून तक करे बूंदी। थर्ड ग्रेड तबादला न्यूज धौलपुर, थर्ड ग्रेड तबादला न्यूज श्रीगंगानगर। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले, उप प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नहीं करने पर शिक्षकों में नाराजगी, सवाई माधोपुर। पेपर लीक प्रकरण, आरपीएससी चेयरमैन को किया तलब, आरपीएससी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कटारा अध्यक्ष व सचिव को भी नोटिस। राजस्थान पत्रिका न्यूज, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर आउट मामला। राजस्थान लोक सेवा आयोग से पेपर लीक मामले में एसओजी के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने आरपीएससी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, आरपीएससी अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी किया है। बेरोजगारों ने दिया 1111 फीट लंबा ज्ञापन, राजस्थान पत्रिका न्यूज। रिव्यू चयन बोर्ड कांस्टेबल चयन सूची जारी, पत्रिका न्यूज। थर्ड ग्रेड तबादला, उप प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड डीपीसी को लेकर ज्ञापन सौंपा। चिंता, अभी भी नहीं बदले नियम तो इस साल 1,00,000 भर्तियों से भी आउट हो जाएंगे खिलाड़ी, राजस्थान पत्रिका सीकर। पाली में खाली पदों का आंकड़ा, प्रधानाचार्य के 43.23% पद खाली। पीटीआई के सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के पद। हाईकोर्ट के परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती 2022
मामला। आरपीएससी कोरोनर राजस्व और अधिशासी अधिकारी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। आरपीएससी थर्ड ग्रेड तबादला न्यूज बीकानेर। आरपीएससी में आज यथावत रहेंगे एसआई 2021 के इंटरव्यू। आरपीएससी सचिव का बयान अजमेर। कोर्ट के आदेश पर 336 अभ्यर्थी और बनेंगे पटवारी। राजस्व मंडल अजमेर। आरएएस भर्ती 2021 का मामला प्रार्थना पत्र खारिज। प्रभावितों का परिणाम नहीं होगा जारी। जयपुर हाई कोर्ट। कांस्टेबल भर्ती 2021 स्थानांतरण शुरू नहीं करने पर शिक्षकों का प्रदर्शन। उदयपुर। प्रभावितों का आरएएस परीक्षा 2021 का परिणाम अभी जारी नहीं होगा। राजस्थान हाई कोर्ट। आरपीएससी भर्ती। स्वायत्त शासन विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 14 को होगी परीक्षा। आरपीएससी अजमेर। सख्त कानून लागू फिर भी 3 पेपर हो गए आउट। बेरोजगारी दर 21% पहुंची राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 खेल प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम अवसर। आरपीएससी ने दिया प्रेस नोट जारी। फर्स्ट ग्रेड। चालीस हजार शिक्षकों का 3 महीने का बकाया वेतन जारी। राजस्थान पत्रिका। शिक्षा विभाग बीकानेर। इम्तिहान के बाद परीक्षार्थी साथ ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र पुस्तिका बांसवाड़ा। 8वीं का परिणाम तैयार, इसी महीने जारी होने की संभावना। शिक्षा विभाग बीकानेर। डिजी लॉकर खातों के लिए 6 अंकों के सुरक्षा पिन जारी। सीबीएसई के 10वीं 12वीं के परिणाम शीघ्र होंगे जारी। नवज्योति न्यूज। 12वीं साइंस का रिजल्ट 20 मई तक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 9 नए सरकारी स्कूल खुले प्रवेश इसी सत्र से। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अब मुरलीधर इंग्लिश स्कूल पहली पसंद। 196 सीटों पर 576 अभ्यर्थी। सुजान देसर स्कूल में सबसे कम सिर्फ 41 आवेदन। 2 स्कूलों में प्रवेश के लिए मात्र 62 फॉर्म हुए जमा। हर कक्षा में 30 सीटें। मैड़ता रोड। शिक्षा व्यवस्था चरमराई। जिले के 1082 स्कूलों में प्रिंसिपल सहित शिक्षकों के 2377 पद खाली। विद्या संबल योजना से भी नहीं भरे। हनुमानगढ़ जिला। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। सीबीएसई के रिजल्ट आज आने की चली अफवाह। जोधपुर। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पहली बार पीटीटी क्वेश्चन बुकलेट अब अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए दी जाएगी। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2022। जो पेपर लीक पायलट का मुद्दा, उसकी जांच फाइल उदयपुर पुलिस ने एसओजी को सौंपी। आरपीएससी में भी हो रहा है इंतजार। 5 साल में पेपर लीक के कारण रद्द स्थगित किए गए पेपर। सेकेंड ग्रेड कांस्टेबल लाइब्रेरियन जेएन और रीट 2021 बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त किया। सचिव निलंबित हुआ था। पीटीटी न्यूज बांसवाड़ा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का अंतिम अवसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग नवज्योति अजमेर। इग्नू के लिए शुरू हुए री रजिस्ट्रेशन। 5 जून तक किए जाएंगे आवेदन। नवज्योति जयपुर। पीटीटी 21 को 521,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जयपुर।